बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ही खुशहाल राज्य था जहाँ बेला नाम की एक बहुत ही प्यारी लड़की रहती थी। उसके माता पिता ने उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला था, लेकिन जब बेला 10 साल की हुई तब उसकी माँ को एक गंभीर बीमारी हो गई और उसे लगने लगा कि अब वो ज्यादा दिन नहीं बच पाएगी। उसने मरने से पहले अपने पति और अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं अब और दिन तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। बेटी ये लो, ये जादुई हीरो का सैंडल है, इसे अपने पास रखना, ये आने वाले समय में हर मुसीबत से तुम्हारी रक्षा करेगी, अपना ख्याल रखना बेटी। इतना बोलकर उसकी माँ चल बसती है। माँ उठो, माँ माँ आप ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, कृपया उठ जाओ माँ, वापस आ जाओ माँ। बेला के पिता को काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाना पड़ता था, जिस वजह से उसने बेला की देखभाल के लिए सुलोचना नाम की विधवा औरत से दूसरी शादी कर ली, जिसकी पहले से ही 2 बेटी थी। सुलोचना बहुत ही लालची और दुष्ट औरत थी। उसने बेला के पिता से शादी सिर्फ उसके जायदाद और पैसों के लिए किया था। सुलोचना जैसे ही उस घर में आई, बेला का बुरा दिन शुरू हो गया। वो बेला से घर का सारा काम करवाती और अपनी भी खूब सेवा करवाती थी। बेला, अभी तक मेरा नाश्ता मेरे टेबल पर क्यों नहीं आया? क्या तुम्हें पता नहीं मेरे नाश्ते का टाइम हो गया है? और मेरा गाउन कहाँ है जो मैंने तुम्हें प्रेस करने को दिया था? मुझे नहाने जाना है। मैं ला रही हूँ, सब कुछ तैयार ही है, बस अभी लाई। ऐसे ही बेला को हर दिन घर में भाग भाग कर सारा काम करना पड़ता था। बेला का एक बहुत ही प्यारा दोस्त था जिसका नाम रोहन था। वो हर काम में बेला की मदद करता था। रोहन बेला से बहुत प्यार करता था और वो बेला के पड़ोस में ही रहता था। वे दोनों एक साथ ही हंसते खेलते हुए बड़े हुए। एक दिन बेला झरने से पानी भर रही थी। लाओ यह पानी मुझे दो, मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा देता हूँ। बेला, यह पानी तो बहुत ही भारी है, आखिर तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तुम्हारे घर में नौकर भी तो है। रोहन, तुम्हें तो पता है मेरे पिताजी अक्सर काम के सिलसिले से बाहर ही रहते हैं, और जब माँ को पता चला कि उनकी एक हादसे में मृत्यु हो गई, तब से तो वो मुझसे और भी ज्यादा काम करवाने लगी। उन्होंने मेरे घर के सभी नौकरों को छुट्टी दे दी। क्या, फिर तो घर का सारा काम तुम्हें ही करना पड़ता होगा? हाँ रोहन। बेला, मैं तुम्हें काम करते हुए नहीं देख सकता। मैं तुमसे शादी करके तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ खुश रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। रोहन ने सुलोचना को शादी के लिए मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और रोहन को वहाँ से धक्के देकर घर से निकाल दी। तभी राज्य में घोषणा हुई कि हर परिवार से एक लड़की को राजा प्रिंस के समारोह में उपस्थित होना पड़ेगा, जिसमें से एक लड़की से राजा प्रिंस विवाह करेंगे। हालांकि आज से पहले महल में ये समारोह कभी नहीं हुआ। ये सिलसिला एक दुष्ट जादूगर के राज्य का मंत्री बनने के बाद शुरू हुआ। ये सुनकर गांव के सभी लोग बहुत भयभीत हो गए। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ, मुझे कैसे भी करके अपनी बेटी को छुपाकर रखना होगा। हाँ सही कहा बहन, मैंने सुना है राजा प्रिंस गंभीर रूप से रोगग्रस्त है और उनसे मंत्री ने ये कहा है कि अगर वो विवाह कर लेंगे तो उनकी बीमारी उनकी होने वाली पत्नी को लग जाएगी और राजा प्रिंस ठीक हो जाएगा। हाँ बहन, ये बात बिल्कुल सही है, ये मंत्री बहुत ही दुष्ट है। सुनने में तो ये भी आया है कि ये मंत्री एक जादूगर है। जब ये बात सुलोचना को पता चली तो वो अपने दोनों बेटियों को बचाने के लिए अपने घर से बेला को समारोह में भेजने का फैसला करती है। बेला सुनो, राजा प्रिंस के दरबार में एक समारोह होने वाला है जिसमें वो अपने लिए राजकुमारी चुनेंगे। तुम हमारे घर के सबसे सुंदर लड़की हो, इसलिए तुम्हें ही वहाँ जाना होगा। ऐसा मत कहो माँ, आपको तो पता है मैं रोहन से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूँगी। प्लीज माँ, मुझे उस सभा में नहीं जाना है। सुनो लड़की, अगर तुम वहाँ नहीं गई, फिर मैं राजा से बोलकर तुम्हारे उस टीचर आशिक को कालखोटरी में हमेशा के लिए कैद करवा दूंगी, समझी? नहीं माँ, ऐसा मत करना, आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। बेला की सौतेली माँ और सौतेली बहन बहुत खुश थी। उसने खुशी खुशी बेला को बहुत ही अच्छे से तैयार किया। उन्होंने उसके लिए सबसे सुंदर गाउन मंगवाया। एक तीर से 2 निशाना, इस मनहूस के जाते ही इस पूरे जायदाद की अकेले मालकिन मैं बन जाऊंगी और मुझे इस बेला नाम की मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा भी मिल जाएगा। बेला समारोह में जाने के लिए घर से निकलती है
बेला, ये सब क्या है? तुम इतने अच्छे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? मैं राजकुमार के समारोह में जा रही हूँ। बेला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें अच्छे से पता है वह जगह कितनी खतरनाक है, वह लोग बहुत ही दुष्ट है। प्लीज बेला, मुझे अकेला छोड़कर वहाँ मत जाओ। तभी सुलोचना वहाँ आ जाती है और रोहन को धक्का देते हुए बोलती है, हमसे दूर रहो तुम गरीब भिखारी लड़के। तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम हमारे घर की लड़कियों से शादी करो। निकल जाओ यहाँ से। रोहन, यहाँ से चले जाओ। मेरा यकीन करो, मेरा दिल कहता है वहाँ और भी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ होंगी। वहाँ मुझे नहीं चुना जाएगा। मैं लौटकर तुम्हारे पास जरूर आऊँगी, मेरा इंतजार करना। इतना बोलकर बेला गाड़ी में बैठी और समारोह के लिए चली गयी। बेला जैसे ही समारोह में दाखिल हुई, सबका ध्यान बेला की खूबसूरती ने अपनी तरफ खींच लिया। जादूगर मंत्री को भी बेला के अंदर एक शक्तिशाली आत्मा दिखाई दी। वो समझ गया कि जिस लड़की की उसे तलाश है वो यही है। वो राजा प्रिंस को बेला के साथ नृत्य करने के लिए मजबूर किया। राजा प्रिंस ऐसे लगते थे जैसे मानो वो पूरी तरह से मंत्री के वश में हो। वो मंत्री के कहने पर बेला के साथ नृत्य करने लगते हैं, लेकिन बेहद कमजोर होने की वजह से वो नृत्य करते करते वही बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर बेला घबरा जाती है। सैनिक दौड़कर आते हैं और बेला को धक्का देते हुए प्रिंस को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। समय का फायदा उठाते हुए बेला जल्दी से वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है। भागते समय गलती से उसकी एक हीरो वाली सैंडल वहीं छूट जाती है। जब वो जादूगर मंत्री बेला का पीछा करता हुआ वहाँ गया तो उसे सिर्फ बेला की एक हीरो वाली सैंडल मिली। मुझे अपनी ऊर्जा को और शक्तिशाली बनाने के लिए हर हाल में वह लड़की चाहिए। अगले दिन मंत्री खुद वो सैंडल लेकर गांव के हर एक घर में गया। ढूंढते ढूंढते मंत्री बेला के घर भी पहुंच गया। जी, ये सैंडल बेला का ही है, मैं उसे अभी बुलाकर लाती हूँ। जब उसने अपना सैंडल बेला के पैरों में डाला तो वो सैंडल उसके पैर में बिल्कुल सही आ गया। चलो दूसरा सैंडल लेकर आओ और मेरे साथ चलो। नहीं, ये सैंडल मेरी नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे ये रही दूसरी सैंडल, ये सैंडल इसी की है। बेला को अब मजबूरी में दोनों सैंडल पहननी पड़ी। उसने जब दोनों सैंडल को पहना तो उसका पूरा शरीर चमक रहा था, लेकिन इस बात को सिर्फ वो जादूगर मंत्री ही देख पा रहा था। सैनिकों ने बेला को जबरदस्ती एक कमरे में लाकर बांध दिया, जहां पहले से राजा प्रिंस भी बंधे हुए थे। वो जादूगर मंत्री जैसे ही बेला के शरीर से आत्मा को निकालने के लिए अपनी जादुई छड़ी उठाई, तभी बाहर से किसी की आवाज आई, दुष्ट जादूगर, मेरी बेला को छोड़ दे। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि रोहन की थी। जब सैनिक जबरदस्ती बेला को ले जा रहे थे, तब रोहन ने चुपके से उन्हें ले जाते हुए देख लिया था और वो चुपके से उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। वो बेला को रस्सी में बंधा देखकर गुस्से से जादूगर मंत्री पर हमला किया, लेकिन वो जादूगर बहुत ही शक्तिशाली था। उसके सामने रोहन बिल्कुल टिक नहीं पाया और वो जादूगर के तेज रोशनी की चपेट में आ गया और बुरी तरह से घायल हो गया। ये देखकर बेला अपना रस्सी तोड़कर रोहन के पास दौड़ कर गई। दुष्ट जादूगर, किसी को भी मेरी मर्जी के बिना मेरे शरीर से आत्मा को निकालने की अनुमति नहीं है। अपनी बुरी ताकत का इस्तेमाल करना बंद करो और लोगों को चोट पहुंचाना छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कमजोर लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे लड़का रही है? कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को एक साथ ही स्वर्ग भेज देता हूँ। इतना बोलकर जादूगर मंत्री ने काला जादू के मंत्र से बेला पर हमला किया, लेकिन बेला की आंखों में कोई डर नहीं था। वो जादूगर का सामना करने के लिए बिना डरे उसके सामने खड़ी थी। तभी उसके जादुई सैंडल ने एक जादू दिखाया और उसमें से एक तेज रोशनी बाहर निकली, जिसे जादूगर का जादू पलटकर उसी पर वार किया, जिससे वो जादूगर घायल हो गया। दोस्त लड़की, तुमने मेरे सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। अगर मैं तुम्हारे और प्रिंस के शक्तिशाली आत्मा को सही से बाहर निकाल कर अपने बस में कर लिया होता तो यह पूरा राज्य मेरा होता। तुमने सब बर्बाद कर दिया। जादूगर गुस्से से आगे बढ़ा और बेला पर हमला कर दिया, लेकिन बेला हिम्मत दिखाते हुए उस जादूगर से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसने रोहन की तलवार उठा ली और जादूगर से लड़ाई करने लगी। वे लोग काफी देर तक लड़ते रहे, तभी उसके सैंडल से एक जादू हुआ और उसका तलवार चमकने लगा। ये देखकर बेला ने उस तलवार से जल्दी से दौड़कर उस जादूगर पर वार किया। ठीक उसी समय राजा प्रिंस उस दुष्ट जादूगर के प्रभाव से मुक्त होकर स्वस्थ हो गए।
और उसके बाद उन्हें सब कुछ याद आ गया कि कैसे उनकी ये हालत उस जादूगर ने की थी। जादूगर को मरा हुआ देखकर प्रिंस बहुत ही खुश हुआ और इसके लिए बेला का धन्यवाद किया। बेला से सब कुछ जानने के बाद राजा ने गुस्से से सैनिकों को उनकी सौतेली माँ और उसकी बहनों को जेल में डालने का आदेश दिया और उन्होंने अपने महल में ही बेला और रोहन की शादी का इंतजाम किया और बहुत ही धूमधाम से बेला और रोहन की शादी हुई और दोनों एक साथ रहने लगे। दर्जी बहू का जादुई तीन लहंगा। बिहार के एक छोटे से गांव में नगमा नाम की गरीब लड़की रहती थी। नगमा बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। जब वो 18 साल की हुई तब शहर के एक बड़े घर से उसके लिए रिश्ता आया और बहुत ही धूमधाम से नगमा की शादी शहर के एक बड़े घर में रमेश नाम के लड़के के साथ हो गई। हर लड़की की तरह नगमा भी बहुत ही खुश थी कि उसकी शादी एक अच्छे घर में हुई है, लेकिन इस शादी से उसकी जिंदगी एकदम से बदलने वाली थी। उसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। दरअसल नगमा का पति रमेश पागल था। उसके माँ बाप ने अपने पागल बेटी की देखभाल और घर के कामों के लिए धोखे से नगमा के परिवार वालों को उलझाकर नगमा से शादी करा दी। पागल पागल, ये लड़की पागल है पागल। ये क्या कर रही हैं आप? दूर हटिए। माँ जी, अनीता माँ जी, ये सब क्या है? ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? अरे हमारी भोली भाली दुल्हन, तुम्हें क्या लगा तुम जैसे गरीब और मनोज लड़की का नसीब इतना अच्छा है कि ये ऐशो आराम और अमीरों वाली जिंदगी तुम्हें भीख में मिल जाएगी? अरे हमने तुझ जैसी गरीब भिखारन को अपने घर की बहू बनाया है तो सिर्फ अपने इस पागल बेटे के लिए, समझी? वरना मैं तो तुझ जैसी फटीचर को अपने घर के नौकरानी भी ना रखूं। और हाँ, अपने आप को घर के बहू समझने की गलती भी मत करना। तू हमारे लिए सिर्फ एक कठपुतली है, कठपुतली, समझी? माँ ने बिल्कुल सही कहा प्यारी भाभी। वैसे गांव के लोग कितने बेवकूफ होते हैं ना, बड़ी आसानी से किसी की भी बातों में आ जाते हैं, जैसे आपके घर वाले हमारी बातों में आ गए। क्या माँ जी, आखिर आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? क्यों किया आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा, बताइए मेरी गलती क्या थी? तेरी सबसे बड़ी गलती तो ये है कि तू एक गरीब की बेटी है और गरीबों को कोई हक नहीं होता जो हम जैसे बड़े लोगों के साथ ऊंचे आवाज में बात भी कर सके। तो भलाई इसी में होगा कि अपना मुंह बंद करके बस वैसा करती रहो जैसा हम तुम्हें करने को कह रहे हैं, समझी? जी प्यारी भाभी, वरना हमें आपको इस घर से धक्के देकर बाहर निकालने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इतना कहकर नगमा की ननद अनीता और उसकी सास वहाँ से चली जाती है। अरे तू रो क्यों रही है? मम्मी ने मारा, मम्मी बहुत गंदी है, मम्मी बहुत गंदी है। चुप हो जाइए और कृपया करके यहाँ से चले जाइए, प्लीज। इतना बोलकर नगमा फूट फूट कर रोने लगती है। नगमा को रोता देख उसका पति भी वहाँ से चला जाता है। मुझे हिम्मत रखनी होगी, अगर मेरे घर वालों को इन सब बातों का पता चला तो वो बेवजह परेशान हो जाएंगे। नहीं, मैं अपने घर वालों के लिए परेशानी का कारण नहीं बन सकती। अब मुझे इसी को अपना किस्मत समझकर यहीं रहना होगा। अगली सुबह नगमा जल्दी उठकर घर का सारा काम करती है और सबके लिए नाश्ता लगाती है। माँ जी, अनीता खाना खा लीजिए, खाना तैयार है। इतना सुनते ही दोनों माँ बेटी खाना खाने आ जाती है। छी, ये क्या बकवास खाना बनाया है तुमने? इसमें तो मिर्च ही मिर्च भरा है। पानी क्यों रे मनोज, बता तूने जानबूझकर सब्जी में मिर्च ज्यादा डाली है ना, ताकि हम दोनों माँ बेटी खाना ही ना खा सके। बहुत चर्बी चढ़ी है ना तेरी, रुक तुझे मैं अभी बताती हूँ। इतना बोलकर कोकिला नगमा को बहुत मारती है। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे यकीन करिए, मैंने सब्जी में सब कुछ बराबर डाला था। मिर्च कैसे तेज हो गई? मुझे नहीं पता माँ जी। तुझे नहीं पता है लेकिन मुझे सब अच्छे से पता है। तू ये सब हमसे बदला लेने के लिए कर रही है। नहीं माँ जी, मेरे यकीन करिए, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है फिर, अगर तू हमसे नाराज नहीं है तो जा अपने घर जाकर अपने माँ बाप से दहेज के 2 लाख रुपए मांग कर ला। अब हम तुझे ऐसे फ्री में बैठा कर तो अपने घर नहीं रख सकते। माँ जी प्लीज ऐसा मत करिए, मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, मुश्किल से तो वो 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं, वे लोग 2 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? वो सब मैं नहीं जानती, पैसे लेकर आएगी तभी अब तू इस घर में रह पाएगी, वरना निकल जा मेरे घर से। माँ ने बिल्कुल सही कहा। अब देखो भाभी, आपके पतिदेव तो कमाते हैं नहीं, और बरसम की दवाई का खर्चा भी हमें ही उठाना पड़ता है। वैसे अब हम आपका भी खर्चा उठाए, इतना दरिया दिल तो हम हैं नहीं, इसलिए आपको माँ की बात तो माननी ही होगी। माँ जी मुझे इस घर से मत निकालिए, अगर मैं यहाँ से अपने माँ बाप के घर वापस गई
तो वे लोग जीते जी मर जाएंगे। माँ जी, मुझे बहुत अच्छी सिलाई आती है, आप मेरे लिए एक सिलाई मशीन ला दीजिए, मैं सिलाई का काम कर लूँगी, प्लीज माँ जी। ठीक है। अगले दिन अनीता और कोकिला मिलकर नगमा के लिए एक सिलाई मशीन ला देते हैं। अब से नगमा सुबह जल्दी उठती और घर का सारा काम करने के बाद सिलाई करने में लग जाती। नगमा बहुत अच्छा सिलाई करती थी, इसलिए शहर की सभी औरतें नगमा से ही अपने कपड़े सिलवाया करती थी, जिस वजह से नगमा की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। लेकिन नगमा के सिलाई के भी सारे पैसे कोकिला ही रखा करती थी। अरे ओ मनोज, कहाँ मर गई? आई माँ जी। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा अच्छे से दबा दे, समझ गई? भाभी भाभी, कहाँ हो? ओफो, आप यहाँ सिलाई में लगी हो? हाँ अनीता, ये काम अर्जेंट है, रीमा को कल ही ये लहंगा पहनकर किसी पार्टी में जाना है, बस वही तैयार कर रही हूँ। वो सब आप बाद में कर लेना, पहले मेरे सर में तेल लगाकर अच्छे से सिर की मालिश कर दो। नगमा काम छोड़कर अनीता के सिर में मालिश करने लगती है, तभी रमेश एक बाल्टी पानी लाकर पूरे घर में फैला देता है। नदी नदी मैं इस नदी में नहाऊंगा। अरे ओ मनोज बहू, ये देख तेरे पति ने क्या किया, अब जल्दी से इसे दवाई खिलाकर सुला दे और घर की सफाई कर। ठीक है माँ जी। नगमा इसी तरह पूरे दिन सबकी खातिरदारी में लगी रहती और रात को सबके सो जाने के बाद सिलाई का काम करती। इस तरह दिन रात काम करने से नगमा की तबीयत खराब हो जाती है और एक दिन उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। अरे ओ महारानी, आज उठना नहीं है क्या? आज हम लोगों को भूखे ही मारने के इरादा है क्या तेरा? नहीं माँ जी, वो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए आँख नहीं खुली। सब जानती हूँ तेरे ये बहाने, तुम्हें तो बस काम से जी चुराने का बहाना चाहिए। चल अब जल्दी उठ और घर के कामों में लग जा। नगमा का पूरा शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन फिर भी वो उठकर किसी तरह से घर का सारा काम करती है और फिर सबके लिए खाना बनाती है। भाभी, ओ भाभी, कल से बाथरूम में सबके कपड़े ऐसे के ऐसे ही रखे हैं, धोए क्यों नहीं आपने? लगता है आप मम्मी की मार को भूल गई हो, तभी आजकल आपसे कोई काम नहीं हो रहा है। अनीता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे चक्कर आ रहा है, प्लीज ये कपड़े आज तुम धो लो। क्या क्या कहा आप मुझसे? अब ये नौकरों वाला काम करवाऊंगी? मैं आपसे जरा प्यार से बात क्या करने लग गई? आप तो मेरे सर पर चढ़ गई। मम्मी मम्मी, कहाँ हो? जल्दी इधर आओ। अरे क्या हो गया सुबह सुबह? मम्मी देखो ना भाभी को, अब वो चाहती है कि मैं उनकी तरह घर का सारा काम करूं और ये महारानी आराम करे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था अनीता, आप सब लोग गलत समझ रहे हैं। तेरे सारे मतलब को मैं अच्छे से समझती हूँ, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को काम बताने की? ज्यादा चर्बी चढ़ गई है। इतना बोलकर कोकिला उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं खुद ही सारे काम कर लूँगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। इतना बोलकर नगमा वहाँ से चली जाती है और बुखार में ही रोते रोते कपड़े धोने लगती है। तभी कपड़े धोते धोते नगमा को चक्कर आ जाता है और वह वहीं बेहोश हो जाती है। तभी कोकिला वहाँ आती है। हे भगवान, इस ड्रामेबाज लड़की को तो बस सोने के लिए बहाना चाहिए। अरे ओ मनोज बहू, ये तेरा बेडरूम नहीं है, बाथरूम है, चल अब खड़ी हो। लेकिन नगमा की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। कोकिला नगमा को ना उठता देख उसके ऊपर पानी डाल देती है, लेकिन नगमा तब भी नहीं उठती है। अब कोकिला थोड़ा डर जाती है। बेटी ये देख, ये मनोज उठ क्यों नहीं रही है? अनीता भी नगमा को उठाने की कोशिश करती है। भाभी भाभी, लेकिन नगमा के शरीर में कोई हलचल नहीं होता। माँ लगता है भाभी मर गई। माँ अब क्या होगा, अब तो हमें जेल जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इससे पहले किसी को इसके बारे में पता चले मुझे इसको ठिकाने लगाना होगा। जा बेटी, स्टोर रूम से एक बोरी लेकर आ जल्दी। कोकिला और अनीता एक बोरी में नगमा को भरकर जंगल में फेंक आती है। काफी देर बाद जब नगमा को होश आता है तब वो खुद के एक छोटे से जगह में कैद महसूस करती है। कोई है, मेरी मदद करो। अनीता माँ जी, अरे कोई तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? नगमा काफी देर से मदद के लिए पुकार रही थी, तभी उधर से तीन परी जा रही थी। जब उसने एक बोरे को हलचल करते हुए देखा तो वो तीनों परी रुक गई। बहनों वो देखो, उस बोरे में हलचल हो रहा है, लगता है कोई उसके अंदर से मदद के लिए पुकार रहा है, चलो चलकर देखते हैं। उसके बाद तीनों परियां नीचे आती है और बोरी को खोलकर नगमा को बाहर निकालती है। हे भगवान, इसमें तो एक लड़की है और ये काफी ज्यादा कमजोर और बीमार लग रही है। तीनों परियां अपने जादू से नगमा को होश में लेकर आती है। कौन हो तुम? तुम इस बोरे के अंदर क्या कर रही थी? कौन है जो तुम्हें यहाँ अकेला जंगल में मरने के लिए छोड़ गया?
इसके बाद नगमा परियों को सारी बात बताती है। अच्छा बेटी, तुम्हारी वो सास और ननद दोनों बहुत ही दुष्ट है। उसने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया है, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, अब हम तीनों परियां तुम्हारी मदद करेंगे। उसके बाद वो तीनों परियां जादू से तीन जादुई गोटेदार लहंगा प्रकट करती है। ये लो नगमा, इस पहले लहंगे को तुम पहन लो। ये लहंगा तुम्हारी सारी इच्छा को पूरा करेगा और तुम्हें हर प्रकार के दुख से बचाएगा। हाँ नगमा, और ये दूसरा लहंगा तुम अपनी सास को देना। नगमा, ये तीसरा लहंगा तुम्हारी प्यारी ननद के लिए है। उसके बाद बस तुम देखते रहना क्या होता है। उसके बाद नगमा पहले जादुई लहंगे को पहन लेती है। उस लहंगे को पहनकर नगमा काफी ज्यादा सुंदर हो जाती है और स्वस्थ हो जाती है। उसके बाद वो तीनों परियों का धन्यवाद कर वो दोनों लहंगे लेकर अपने घर आ जाती है। घर आते ही अनीता उसे देखकर डर जाती है। माँ, माँ, भूत! डरो नहीं अनीता, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो अच्छा हुआ मुझे परी मिल गई और उन्होंने ही मेरी जान बचाई। अच्छा, और ये लहंगा कहाँ से मिला तुम्हें? ये जादुई लहंगा है माँ जी, ये लहंगा मुझे उसी परी ने दिया है। परी ने आप लोगों के लिए भी जादुई लहंगा दिया है। इतना बोलकर नगमा दोनों लहंगे अपनी सास और नंद को दे देती है। क्या सच में ये लहंगा परी ने दिया है? वाओ, कितना सुंदर लहंगा है। माँ, आप भी ये लहंगा पहन लो, ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी उस जादुई लहंगे को पहन लेती है। लहंगा को पहनते ही अनीता और कोकिला दोनों गायब हो जाती है और वो दोनों परीलोक पहुँच जाती है। तुम दोनों दुष्ट माँ बेटी ने मिलकर एक मासूम लड़की पर बहुत अत्याचार किया है, इसलिए अब तुम दोनों माँ बेटी यहाँ परीलोक के हम सबकी सेवा करोगी। नहीं नहीं परी जी, कृपया कर हमें माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए। हम अब कभी अपने भाव को नहीं सताएंगे और उसे प्यार से रखेंगे। जी परी जी, मैं भी अब भाभी को कभी परेशान नहीं करूंगी, मुझे भी माफ कर दीजिए। ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक महीने के लिए परीलोक में परियों की सेवा करने का मौका देती हूँ। अगर मुझे तुम्हारे व्यवहार में बदलाव नजर आएगा तो मैं तुम दोनों माँ बेटी को पृथ्वी लोक पर भेज दूंगी। इधर नगमा अपने जादुई लहंगे से बोलकर अपने पति को ठीक कर देती है। हे जादुई लहंगा, मेरे पति को बिल्कुल ठीक कर दो। इतना कहते ही नगमा का पति रमेश बिल्कुल ठीक हो जाता है और नगमा खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन परिलोक में रहने के बाद कोकिला और अनीता के व्यवहार में पूरी तरीके से बदलाव आ चुका था और उनकी एक महीने की सजा भी पूरी हो जाती है। फिर रानी परी उन दोनों को पृथ्वीलोक वापस भेज देती है। वापस आने के बाद दोनों भागते हुए नगमा के पास जाती है और अपने किए गए बुरे व्यवहार के लिए उससे माफी मांगती है। भोली भाली नगमा दोनों को माफ कर देती है। फिर सभी मिलजुल कर प्यार से एक साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।